नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। जनपद अमरोहा तहसील हसनपुर की ग्राम पंचायत कुव अडाली में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केंद्र की 17 योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वल योजना, किसान निधि, स्वास्थ्य योजनाएं, ऐसी 17 योजनाओं के विषय में बताया कि इन योजनाओं का सीधा सीधा लाभ गरीब मजदूर युवाओं माता बहनों को मिल रहा है, जिससे हमारे देश के किसान मजदूर माताएं बहनों और युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, अधिकारीगण काफी संख्याओं में जनताएं मौजूद रही। नमस्कार, समर इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रमोद सागर। आपको बता दूं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज जनपद अमरोहा तहसील हसनपुर की ग्राम पंचायत कुआ डाली में मैं मौजूद हूं और मैं इस समय मैं मेन गेट पर हूं, क्योंकि यहां पर जो केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मीनाक्षी लेखी जी यहां पर आई है। और अब मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर इस समय उनका स्वागत भी हो रहा है। और इस समय यहाँ पर जहाँ भीड़ की तादाद की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी दूर से यहाँ पर भीड़ यहाँ पर आई है। और मैं आप कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाइए यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत भीड़ यहाँ पर आई हुई है। देखते हैं कि आज के क्रम में आप देख रहे हैं इस समय बिल्कुल जो खचाखच इस समय जो ग्राउंड है वो यहाँ पर दूर दराज से आए व्यक्तियों के लिए, जो जनता यहाँ पर आई है, जो समाज से सभी व्यक्ति यहाँ पर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माता बहनों की भी संख्या यहाँ पर जाते हैं और आप देख रहे हैं इस समय कहना मैं इसे कहूंगा दिखाइए आए और यहाँ पर कहाँ कहाँ से दूर दूर से यहाँ पर आए हैं ये लोग, मैं इसे भी जानकारी करूंगा और अपडेट करूंगा। और इस समय देखिए मेरे साथ यहाँ पर बहुत युवा भी है और जानकारी कोडाली से है। तो क्या आप क्या मन में क्या है, क्या समस्या है? थोड़ी समस्या से बाद में हल होने के बाद में बात करेंगे। समस्या को जी कहाँ से? सांपा कहाँ पर है? तो आप बताइए, यहाँ पर आई हैं और जो केंद्रीय मंत्री जी भी आई हैं, तो आप बताइए क्या मन में क्या बात सन्नी पड़ी है हमारी, तो पन्नी पड़ी है। अच्छा, तो आप अपने यहाँ पर मतलब घर पर पन्नी पड़ी है अभी, पक्का मकान नहीं है बता रही है कि, तो कहाँ से बताइए आपने? सांपे से। क्या नाम है तुम्हारा? दयावती। दयावती जी, तो जी अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर आई है और काफी उम्मीद मंत्री आए और अपनी समस्या को सिकंदराबाद सिकंदराबाद से बताइए आप। अभी मंडल और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिलाओं की जो तादाद है काफी तादाद है और काफी उम्मीद और आशाएं होती हैं, क्योंकि जब क्योंकि इनके मन में आशा उम्मीद है कि हमारी बात केंद्र तक जाएगी। हाँ जी, आप कहाँ से आएंगी? सगरगड़ी से। आपका अपना नाम बताइए। बता दो जी। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आई है? सगरगड़ी से। तो आप बताइए, आप कुछ अपने मन में कुछ समस्या है या आप उनमें बैठने में बताएंगे, मतलब आप जिनके साथ आए? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर हमारी माता जी है। माता जी आप कहाँ से आई है? तो आप मंत्री जी को देखना ही है या कुछ अपनी बात? हम विधवा है, हमें कोई पिल्सिंग नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, विधवा है आप? पेंशन नहीं बनी? बनी नहीं है? आज लोग नहीं गई, आज लोग बनी, तो ये पेंशन इनकी नहीं बनी है। इसी उम्मीद के साथ आई है कि पेंशन अगर बन जाए तो आप मंत्री जी को बताएंगे। हमें नहीं मिली साहब, तो आपने किसी से संपर्क किया? जिले के अधिकारी से? हमने ना, हमारे सामने कोई आया ही ना। विकसित भारत यात्रा अमरोहा में है और आज यहाँ पर ऐसी बहनों से मेरी मुलाकात हुई जिनके नाम पर भिरोनी के पट्टे बने, जिनका घर उनके नाम पर आया। ऐसी बहुत सारी बहनें जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला, शौचालय मिला, गैस कनेक्शन मिला, और कुछ लोग जिनके आज तक 5-5, 10-10 साल से राशन कार्ड भी नहीं बने थे, उनके राशन कार्ड बनाने का काम प्रशासन कर रहा है। और मन को बहुत प्रसन्नता होती है जब 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों के परिवार जो कि बिल्कुल गरीबी की कागार पे हों या पहुँच जाए, क्योंकि घर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, तो ऐसे में उनको एक बहुत बड़ा सहारा मिला जब आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनका इलाज हुआ। ऐसे सब लोगों से मिलकर
मन को बहुत तसल्ली हुई कि जो निर्णय 2014 में देश की जनता ने लिया उसका लाभ आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने का काम हो रहा है, चाहे लाभार्थियों तक पहुंचने का, पात्र लोगों तक पहुंचने का कार्य हो, और चाहे देश के विकास की यात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर लोगों को देने का काम हो, विकास भी और विरासत भी, दोनों लक्ष्यों को लेकर यह सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। इस समय मैं आपको बता दूं कि केंद्र में विदेश राज्य मंत्री माननीय मीनाक्षी लेखी जी, अभी आपने सुना उनको, उन्होंने तो विकसित भारत यात्रा, जो विकसित संकल्प भारत यात्रा के विषय में यहाँ पर उद्योग सभा को अपनी बातें बताई, यहाँ पर लोग आए और यहाँ पर माताएं बहनें ज्यादा यहाँ पर आई और सबने योजनाओं से अवगत कराते हुए, और ज्यादा से ज्यादा आप हमारी समरिंडा चैनल को, जो नए दर्शक जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे समरिंडा चैनल को देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।